हेलो फ्रेंड्स, आज हम इवेल्युएट करेंगे द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अंडर कर्व सी साइंस के जेड अपॉन जेड माइनस फाइव बाई सिक्स रेज पावर थ्री डी जेड, वेयर सी इज द सर्कल मोर जेड इक्वल टू वन। जैसे हमें पता है जो हमारे पास सर्कल है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है मोर जेड माइनस ए इक्वल टू आर। अगर जहाँ पर आप ए की वैल्यू जीरो और आर की वैल्यू वन फिल कर दोगे तो हमारे पास जो सर्कल आएगा वो कौन सा आएगा, मोर जेड इक्वल टू वन। दैट इज़ जो मोर जेड इक्वल टू वन है ये कौन सा सर्कल है जिसका सेंटर जीरो है एंड रेडियस कितना है वन। तो जब भी जो गिवन क्वेश्चन है अगर इसमें जो इंटीग्रैंड है ये वाला जो फंक्शन है इसके जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है अगर उसको आप जीरो का इक्वलेंट करोगे तो वहाँ से एक पॉइंट आएगा। इस क्वेश्चन के लिए जेड की वैल्यू कितनी आ रही है पाई बाय सिक्स, अगर आप जेड की वैल्यू कितनी आएगी पाई बाय सिक्स, अगर आप पाई की वैल्यू फिल करोगे 3.142 डिवाइडेड बाई सिक्स तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.5। तो जे वाली जेड की जो वैल्यू है ये लाइज करेगी विद इन द सर्कल मोड जेड इक्वल टू वन। तो अगर ये वैल्यू ए की लाइज करेगी सर्कल के अंदर तब हम यूज़ करते हैं कोची इंटीग्रल फार्मूला, अगर ये वैल्यू आउटसाइड चला जाए सर्कल के बाहर चला जाए तो हम यूज़ करते हैं कोची थ्योरम। तो इस क्वेश्चन के लिए जो पॉइंट है हमारे पास है वो कितने पाई बाय सिक्स इट मीन 0.5, तो वो सर्कल मोर जेड इक्वल टू वन के इनसाइड लाई कर रहा है तो यहाँ पर कोची इंटीग्रल फार्मूला लगेगा। तो देखो अब वो अप्लाई कैसे करना है, एज जो नॉमिनेटर वाली टर्म है आपके पास उसको आपने लेट कर लेना है एफ जेड इक्वल टू साइन स्क्वायर जेड। एज साइन जेड जो होता है वो हमारे पास एनालिटिक होता है इट मींस इट इज़ एनालिटिक फंक्शन विद इन द सर्कल मोर जेड इक्वल टू वन। और डिनोमिनेटर में जो पॉइंट हमने निकाला है वो कौन सा है ए, द पॉइंट ए इक्वल टू पाई बाय सिक्स लाइज विद इन द सर्कल सी। तो अप्लाई कोची इंटीग्रल फार्मूला, कोची इंटीग्रल फार्मूला कौन सा है हमारे पास, एफ जो फंक्शन एफ है उसका अपने nth डेरिवेटिव करना है एट पॉइंट ए पर इट इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय 2 पाई आइटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड पॉइंट जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1 इंटू डी जेड। अगर आप इस फार्मूले में वैल्यू फिल करोगे तो देखो क्या बनता है, एफ जेड की वैल्यू कितनी हमारे पास, एफ जेड की वैल्यू हमारे पास साइंस केयर जेड। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास पाई बाई सिक्स, और एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो जहाँ इस क्वेश्चन में पावर में थ्री दिया गया और इस वाले फार्मूले में पावर में एन प्लस वन है, अगर आप एन प्लस वन को थ्री के इक्वलेंट करोगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू। तो हमारे पास एन की वैल्यू टू आ गई है, ए की वैल्यू पाई बाई सिक्स है और एफ जेड की वैल्यू साइन स्क्वायर जेड है। तो ये सभी की सभी वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, जब वैल्यू फिल करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पाई बाय सिक्स इट इज इक्वल टू एन की वैल्यू टू है तो फैक्टोरियल टू डिवाइडेड बाय टू पाई आईटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड की वैल्यू साइन स्क्वायर जेड है और ए की वैल्यू कितनी है पाई बाय सिक्स जेड माइनस पाई बाय सिक्स की पावर थ्री इंटू डी जेड। तो इसमें इस इंटीग्रल को आपने एक साइड पर कर लेना और बाकी सब टर्म जो है वो दूसरी साइड ले जानी है। जब ऐसा करोगे तो हमारे पास ये कुछ टर्म आ जाती है, इंटीग्रेशन सी साइंस स्क्वायर जेड अपॉन जेड माइनस पाई बाई सिक्स की पावर थ्री इंटू डी जेड पाई आयोटा इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पाई बाई सिक्स। अब डेरिवेटिव क्या होगा, डबल डेरिवेटिव क्या होगा एफ जेड का, देखो एफ जेड कितना है हमारे पास साइंस स्क्वायर जेड है, साइंस केयर जेड है तो इसका आपने अगर डेरिवेटिव करना हुआ तो कैसे फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फाइंड करोगे तो सबसे पहले तो पावर जो है वो आगे आ जाएगी टू इंटू साइन जेड और साइन जेड का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस जेड और हमें पता है टू इंटू साइन जेड इंटू कॉस जेड इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन टू जेड। तो ये था हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन के लिए हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आएगी, इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा टू इंटू कॉस टू जेड, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जहाँ पर देखो जो डेरिवेटिव है डबल डेरिवेटिव की वैल्यू किस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है पाई बाय सिक्स पर, तो जब आप पाई बाय सिक्स पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे डबल डेरिवेटिव की तो क्या आ जाएगी, एफ डबल डेरिवेटिव पाई बाय सिक्स इट इज़ इक्वल टू टू इंटू कॉस इंटू टू इंटू पाई बाय सिक्स, जहाँ टू के साथ ये कैंसिल हो गया तो पाई बाय थ्री आ गया, कॉस पाई बाय थ्री कितना होता है
वन बाय टू होता है, तो हमारे पास टू इंटू वन बाई टू, जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वन। इट मीन्स जो डबल डेरिवेटिव है एफ़ का एट पॉइंट फाइव एस एक्स, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। तो जो इक्वेशन नंबर वन है, अगर आप इसमें ये वैल्यू फिल करोगे इस वाले रिलेशन में, तो हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इट इज़ इक्वल टू पाई आयोटा इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पाई बाई सिक्स। जब आपने उसकी वैल्यू फिल की तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, पाई आयोटा। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन बेस। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, देखो इसमें जो एफ जेड है वो कितनी है, एफ जेड की वैल्यू हमारे पास दी गई है ई की पावर टू जेड। तो ई की पावर टू जेड जो होता है वो एनालिटिक होता है। इट मीन्स इट इज़ एनालिटिक विद इन द सर्कल मोड जेड इक्वल टू टू। और जहाँ पर इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस वन। देखो जहाँ पर अगर आप इसको जीरो पुट करोगे जेड प्लस वन को, तो जहाँ से वैल्यू कितनी आएगी जेड की, माइनस वन। तो वही पॉइंट होता है ए हमारे पास। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, इस पावर को आपने एन प्लस वन के साथ कंपेयर कर देना है। अगर आपने एन प्लस वन को फोर के साथ इक्वल किया, तो जहाँ से एन की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, थ्री। तो जो भी आपने एन की वैल्यू, ए की वैल्यू और एफ़ की वैल्यू निकाली है, इसको आपने कोची इंटीग्रल फार्मूला में पुट कर देना है। तो अगर आप पुट करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, एफ़ की कितनी पावर आएगी, तीन डेरिवेटिव आएंगे जहाँ पर, क्योंकि एन की वैल्यू तीन है। और ए की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। इट इज़ इक्वल टू एन की वैल्यू फैक्टोरियल थ्री डिवाइडेड बाई टू पाई आयोटा और इंटीग्रेशन सी एफ जेड का मतलब ई की पावर टू जेड अपॉन जेड प्लस वन की पावर फोर इंटू डी जेड। अब आपने जे इंटीग्रेशन को एक साइड रखना है और दूसरी टर्म जो है वो बाकी सारी टर्म दूसरी साइड लेकर जाना है आपने। तो जब आप लेकर जाओगे तो देखो क्या बनता है इसका, इससे आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन सी ई की पावर टू जेड डिवाइडेड बाय जेड प्लस वन की पावर फोर डी जेड। इट इज़ इक्वल टू टू पाई आयोटा डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल कितना होता है, सिक्स होता है हमारे पास। और एफ का कौन कितने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, तीन, और किस पॉइंट पर, माइनस वन पर। तो देखो अगर एफ जेड जो है वो हमारे पास है ई की पावर टू जेड, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, अगर इसका आप डेरिवेटिव करोगे एफ जेड, तो ये आ जाएगा हमारे पास टू ई की पावर टू जेड। अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो तब कितना आएगा, डबल डेरिवेटिव, तो वो आ जाएगा फोर ई की पावर टू जेड। और इसका थर्ड डेरिवेटिव कितना होगा, थर्ड डेरिवेटिव वो होगा एट ई की पावर टू जेड। अब आपने जहाँ जो पॉइंट है, किस पॉइंट पर हमने डेरिवेटिव निकालना है, माइनस वन पर। अगर आप इसमें वैल्यू फिल करोगे तो कितना आंसर आएगा, टू पाई आयोटा डिवाइडेड बाई सिक्स इंटू एट ई की पावर माइनस टू। जेड की वैल्यू अगर आपने माइनस वन फिल कर दिया, तो हमने जहाँ पर एफ के थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब जस्ट इसको आपने सॉल्व करना है, जे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, एट बाय थ्री पाई आयोटा इंटू ई की पावर माइनस टू। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स।